मुरैना में स्टेशन थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा करते हुए डकैती की योजना बनाते आरोपियों को हथियार सहित पकड़ा है। इनसे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। बदमाश लग्जरी वाहन से जाकर सोने घरों की पहले रेकी करते थे, फिर उन घरों को निशाना बनाते थे। 20 मिनट में वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के जेवरातों को दतिया, धौलपुर, आगरा, ग्वालियर के सराफा व्यापारियों को बेचते थे। वहीं पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं 2 चोर अभी फरार है। पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी हुई है। 5 लोग और थे जिन्होंने मिलकर के और इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस लगातार इनको 5ों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी और लगी हुई थी। इसी बीच में मुखबिर से पुलिस को एक सूचना मिली कि 5ों आदमी एक जगह पे बैठ करके फिर से कोई एक डकैती डालने की योजना ये तैयार कर रहे हैं, और उस पर थाना प्रभारी स्टेशन रोड आशीष राजपूत गए वहाँ पर अपनी टीम के साथ में, और उन्होंने इनको हथियारों के साथ में पकड़ा। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ हुई तो इन्होंने ये बड़ोखर वाली घटना को भी करना इन्होंने कबूल किया। शेष कितने आरोपी फरार हैं इसमें? अभी इसमें 2 आरोपी फरार हैं, 3 इसमें पकड़ गए हैं, और एक जो पहले जोगिंद कुशवाहा था वो उसका जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल में था, अभी वर्तमान में जमानत पे हो रही है।